फ्रेंड्स, मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई इंडिया से पीएमसी अफ्रीका और मेडिटेट विद इनर सेल्फ की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सबने आपका कीमती वक्त देकर ये सेशन ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज ये सेशन में हमें बहुत सारी रोचक जानकारी मिलने वाली है। हमारे साथ आज जुड़े हैं एक ऐसे ग्रेट मास्टर की जो खुद डॉक्टर है, और उन्होंने कई लोगों को ऐसा ज्ञान दिया है कि जिससे वे लोग बिना मेडिसिन्स हेल्दी और डिजीज फ्री, यानी कि स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन कैसे जी सके, उसके बारे में उन्होंने लाइट दी है वो उन लोगों को। तो चलिए चलते हैं नेहा जी के पास, जो अफ्रीका से हैं और हमें इन ग्रेट मास्टर के साथ परिचित करवाएंगे। ओवर टू यू नेहा जी। थैंक यू जीना जी, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन, आत्मवंदन नेहा जी। वार्म वेलकम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मास्टर्स, आप जो सब यहाँ, अगर डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन को ज्यादा लोग तो जानते ही होंगे, इतने ही वो पॉपुलर है। डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन और उनकी पत्नी डॉक्टर पूजा सरीन, ये दोनों ही नेचुरोपैथ डॉक्टर है और साथ में ही वो एक फाउंडर डायरेक्टर है हमारी चैनल पीएमसी गुजरात और पीएमसी गुजराती के, जिसके 20 लाख्स व्यूअर हैं और 17,000 उनके सब्सक्राइबर भी है। इतनी सक्सेसफुल चैनल वो चला रहे हैं। वो गुजरात में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है वो ट्रस्ट वही चलाते हैं, ताकि गुजरात में पिरामिड कंस्ट्रक्शन हो और ध्यान का प्रचार प्रसार हो। पिछले 6 सालों से पितामह पत्री जी से जुड़ने के बाद उन्होंने बहुत सेवा दी है पूरे गुजरात को। ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत बनाने का जो उनका सपना है, और एक और सपना है कि पिरामिड में गुजरात के अंदर जितने मंदिर हैं उससे ज्यादा एक पिरामिड बने, पिरामिड बनाने की उनकी विश है। और वो एक और वर्कशॉप जो हमारे पत्री जी का स्लोगन था, गोली को गोली मारो, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, उसको उन्होंने वर्कशॉप बना दिया है और हजारों परिवारों को इतना स्वस्थ बना दिया है कि जो बिना दवाई के बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं। और मेरा परिवार भी उसमें से एक है। और आज भी कई लोग ऐसे जुड़े हैं। तो उन्होंने जो पत्री जी का सपना है स्वस्थ जगत का, वो भी वो पूरा कर रहे हैं। सो ऐसे ग्रेट मास्टर हमारे बीच है। उनकी एक प्यारी सी गुड़िया है, डिवाइन चाइल्ड हेमांगी, वो भी बहुत सपोर्ट करती है हर एक चीज में। और आज हम ये सेशंस यहाँ जो चला रहे हैं उनमें भी उनका बहुत सपोर्ट है। मेरा ध्यान में आना ही उनकी वजह से हुआ है, और मेरे मेंटोर रहे हैं हर एक चीज में, मुझे पर्सनली भी उन्होंने इतना गाइड किया है और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और हम लोग जो मिलके ये सेशन चला रहे वो इन्हीं के गाइडेंस और इन्हीं की वजह से हुआ है। सो सर, वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड आप ध्यान और ज्ञान की कक्षा लें, उससे पहले मैं सर एक अनाउंसमेंट ले लेना चाहती हूँ प्लीज। जो लोग भी ध्यान से जुड़ना चाहे, सो हम लोग मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे ये सेशन रखते हैं, पर उसके अलावा के जो 3 दिन है उसमें ध्यान इंडियन टाइम पे होता ही है, तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं। आज ध्यान के बाद ज्ञान की कक्षा चलेगी और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी हो वो बता सकते हैं। और आज यहाँ कोई ऐसा जुड़ा है जो पहली बार ध्यान कर रहा हो, अगर कोई हो तो हैंड रेस कर लेना, तो हम उसके हिसाब से थोड़ी इंस्ट्रक्शन देंगे ध्यान के बारे में। सो वार्म वेलकम एंड ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल इंट्रोडक्शन दैट यू हैव डन। और मेरे साथ में उपस्थित यहाँ पे सभी मास्टर्स को,
डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, भ्रमर्षि पितामह पत्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे गुरु जी भ्रमर्षि पितामह पत्री जी से हमें जो ऊर्जा मिली है, आज हम उस ऊर्जा को आपके साथ में स्पर्श करेंगे। आज हम लोग एक अनोखा और बहुत ही साधारण आनापान सती ध्यान का आपके साथ में आधे घंटे का एक सेशन करेंगे, जिसमें जबरदस्त ऊर्जा का आप सभी लोगों को मालूम पड़ने लगेगा। कुछ लोग नए यहाँ जुड़े हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, रिकॉर्डिंग हमारी ये जो अवेलेबल रहेगी, आप जिन लोगों को नए हो उनको सिखाने के लिए भी इस रिकॉर्डिंग को जरूर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें। आपको बता दूं, हम लोग आनापान सती ध्यान करने के लिए अभी तत्पर आगे बढ़ेंगे। आनापान सती यानी कि अपनी ही श्वासों के साथ में आन यानी श्वास को भरना, अपान यानी श्वास को छोड़ना, सती यानी जुड़ाव करना, अपनी ही आती जाती श्वासों के साथ में जुड़ना है, अपने मन को केंद्रित करना है। ऐसा करने के समय पे आप अपने चश्मों को जरूर उतार दें, क्योंकि आंख बंद करने के बाद में चश्मे का कोई काम नहीं रहेगा, और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पे ही केंद्रित करना है। उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, हथेलियों को अपनी गोद में रखना है, पैरों को आगे से क्रॉस करना है। जब हम अपनी उंगलियों को फंसाते हैं और पैरों को अग्रभाग को क्रॉस करते हैं, तो आप सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, पीछे कुशन पिलो जो रखना हो आराम से बैठ जाएं। सुख आसन में बैठना है और सुख प्राणायाम करना है। ये राज सूत्र है योग करने का, जो महर्षि पातंजलि ने दिया, जो गौतम बुद्ध ने दिया, और हमारे पत्री जी सर ने हम सभी लोगों को इसी के साथ में वापस जोड़ा है। तो आइए पहले हम सभी लोग मिलकर के ध्यान करेंगे, अपने ऊर्जा को बढ़ाएंगे। सुबह से अभी तक जितना भी हमारे अंदर इकट्ठा हुआ है उसे खाली करेंगे, खाली करेंगे, ताकि हम भारी भरकम ज्ञान के साथ में जुड़ करके अपनी ऊर्जा को और ज्यादा विस्तार कर सकें। आंखें बंद और पूरी तरह से अपनी आती जाती श्वास के साथ में संलग्न होना है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स, आज जो हम लोगों ने ध्यान किया इसे आनापान सती ध्यान कहते हैं। आज हम लोग जो अपना अध्याय लेंगे, ये खास करके आनापान सती ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, कैसे इन तीन चीजों से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में, संगठित करने में अपना सहयोग देते हैं। हमारा भूमि पे आना, ये जो पृथ्वी है ये हमारी पाठशाला है, और यहाँ पे ये तीन अध्याय, महत्वपूर्ण अध्याय हमें लेने हैं, ताकि ह्यूमन से इवॉल्व होकर के डिवाइन ह्यूमन बन सकें, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकें। आप देखेंगे जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप सभी सफरिंग्स में से बाहर आना शुरू कर देते हैं। बिना ऊर्जा के आप सफरिंग में से बाहर नहीं आ पाएंगे। आइए मैं आपके साथ में अपना आज का पीपीटी स्टार्ट करता हूं, ताकि हम पूरी तरह से जानकारी करके अपने नोट्स लिख सकें। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी मैनेजमेंट, ध्यान, सज्जन सांगत्य। माय डियर फ्रेंड्स, आज से लगभग 6 साल पहले पत्री जी सर से जब मेरा मुलाकात हुआ, पहली बार ध्यान के समय 5 मिनट बोल करके 40 मिनट के लिए पत्री जी सर ने बिठाया, और मुझे अपने शरीर में सिर के बीचों बीच से वाफ जैसी ऊर्जा का बहता हुआ मालूम पड़ने लगा। That was my first experience with energy. ध्यान से हमारी ऊर्जा बहु मात्रा में बढ़ती है, और लगभग आज से 15 साल पहले
मैं शिरडी साई बाबा मंदिर में गया, वहां से जब हम वापस लौटे तो मेरी धर्म पत्नी डॉक्टर पूजा ने मुझे शिरडी साई सच्चरित्र दिया। साई सच्चरित्र को पढ़ते रोजाना जब मैं 1 घंटा उसका स्वाध्याय करता, मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती, मानो एनर्जी का मिलाप हो जाता है। जिन स्पिरिचुअल मास्टर्स के द्वारा लिखी हुई किताबें होती हैं, उनका हमें एनर्जी का अनुभव होने लगता है। सज्जनों का सांगत्य, सत जन जो सत्य के मार्ग में लगे हैं, सत्य की खोज में लगे हैं, उनकी संगति करना, तो वहां से हम लोग ज्यादा में ज्यादा उनकी जो की लर्निंग्स हैं, जो उनकी बहुत ज्यादा जानकारी जो उनसे हमें मिलती है, इन तीनों ही माध्यम से, ध्यान से, स्वाध्याय से और सज्जन सांगत्य से हमारी ऊर्जा संगठित होती है और ऊर्जा का फैलाव होने लगता है। वेलकम धरती, हमारी पाठशाला और हमारा अध्ययन करना है ध्यान के बारे में, स्वाध्याय के बारे में और सज्जन सांगत्य के बारे में। 1 घंटा रोजाना ध्यान, 1 घंटा रोजाना स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य, अगर हम इस तरह से रोजाना ले लें तो हम बहु मात्रा में अपने मन को विकसित कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। मन से मानव बनता है और इस मन को जब नियंत्रित किया जाता है तो बुद्धि का विकास होने लगता है, बुद्धि से ही बुद्धा बनता है। आनापान सति ध्यान करने का जो एनर्जी सर्किट है, आइए पहले इसको समझ लें। जब भी आप ध्यान में बैठें, चाहे आप पलाती मार के बैठें आलती पालती, या तो आप अगर सोफे पे या आपके बेड पे या चेयर पे बैठे हैं, कोई कुशन कोई पिलो लगाना हो तो आरामदायक स्थिति में बैठना है, सुख आसन में बैठना है। अपने पैरों के अग्रभाग को क्रॉस करना है और उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है। उंगलियों से और पैरों से 10-10% टोटल 20% एनर्जी हमारे शरीर से बाहर जाती है। इस तरह से मिलाने पे ऊर्जा हमारे शरीर में वापस सम्मिलित होने लगती है। और ये स्पेशल बात आंखों की, क्योंकि आंखों से 80% ऊर्जा शरीर से बाहर जाती है। आंखों को बंद रखना है, आंखें बंद रखने से 80% एनर्जी को, हाथों को लॉक करने से और पैरों को लॉक करने से 20% यानी 100% एनर्जी सर्किट पोस्चर से हम जुड़ते हैं। जब आप ध्यान करने बैठें तो 1 गिलास पानी भर के आधा गिलास पी लें और उसे ढक के रख दें, और जब आपका ध्यान पूरा हो जाए तो अपने हाथों को अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए रखना है। 5 सेकंड बाद धीमे से अपनी आंखों को खोलना है और जो आधा ग्लास पानी आपने शुरू में रखा था इसे पी लेना है। ये जो आपने पानी पिया, ये आपकी इलेक्ट्रिक बायो एनर्जी को फैलाने में आपको बहुत सहायक बनता है, एनर्जी को पूरे शरीर के अंदर में फैलाव करने में सहायक बनने लगता है। इसे आनापान सति ध्यान कहा जाता है। आन यानी श्वास को भरना, अपान यानी श्वास को छोड़ना, सति यानी जुड़ना, ये पाली भाषा का शब्द है। आज से लगभग 2500 साल पूर्व गौतम बुद्ध आनापान सति ध्यान के माध्यम से अपने निर्वाण को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की अगर सुने तो इनका कहना है कि विज्ञान सभी के लिए एक ही है, जिस तरह सूरज सबके लिए एक है, चांद सबके लिए एक है, वैसे ही ध्यान तो एक ही है और वो है आनापान सति ध्यान। लगभग 5.5 साल तक लगातार जब गौतम बुद्ध अलग अलग गुरुओं से गुजरने और सीखने लगे, और उन्हें आखिर में ऐसे लगने लगा कि कहीं वो विफल होने लगे हैं, एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठे उनकी आंखें स्वयं बंद हो गईं
और उनका जुड़ाव खुद की आती जाती श्वास से होने लगा। उस दिन वो हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें अपने पुराने 550 जन्म नजर आने लगे। इन्हें जातक कथाओं के नाम से दर्ज किया गया है और इसी पे चलकर के उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। आनापान सती ध्यान विज्ञान सम्मत है और ये जिन्होंने भी अपनाया सभी लोगों को ऊर्जा का बहुत ज्यादा लाभ होने लगा। ये वो पद्धति है जिसपे चलकर के हम अपने मन को विचार मुक्त कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी आनापान सती की खूबी है। मन खाली होता है तो ऊर्जा हमारे भीतर उतरने लगती है। ध्यान की तीन अवस्थाएं होती हैं। इन तीन अवस्थाओं में पहली अवस्था है मन को खाली कर लेना, मन को शांत कर देना। जब हम अपनी श्वासों के साथ में अपने मन को जोड़ते हैं तो मन में चलने वाले विचारों की श्रृंखला थमने लगती है, कम होने लगती है। मन खाली होने लगता है और विचार शून्य होने लगता है। ऐसी अवस्था में जब हमारा मन खाली होता है, बहु मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के भीतर उतरने लगती है, हमारे मन और हमारे शरीर के अंदर प्रवाह करने लगती है। जब पूरी तरह से हमारी मन और शरीर में ऊर्जा फैल जाती है तो हमारी छठी इंद्रिय उजागर होती है, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, हमारा जो दोनों भंवरों के बीच का भाग है जिसे थर्ड आई या दिव्य चक्षु का स्थान कहा जाता है, यहां से बहु मात्रा में ऊर्जा विस्फोट के साथ में बाहर निकलने लगती है। इसे ही थर्ड आई एक्टिवेशन का नाम भी दिया है। इस तरह से तीन बड़ी अवस्थाओं से हम ध्यान में गुजरते हैं। तीन स्टेजेस भी आनापान सती की हैं। आनापान सती ध्यान आप जैसे चावल को आग पे चढ़ाते हैं पकाने के लिए, वैसे ही हम अपने श्वासों के साथ में जुड़ते हैं आनापान सती ध्यान के माध्यम से अपने मन के विचारों को शून्य करने के लिए। जब इस अवस्था में हम जुड़ते हैं तो हमें आंखें बंद ही रखना है। आंखें हमारे मन का द्वार हैं, हमें दुनिया से जुड़ती हैं। जब तक आंखें बंद होती हैं ऊर्जा हमारे भीतर ही समाती है, बाहर नहीं जाती है। इसलिए आनापान सती ध्यान में विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हमारा मन खाली होता है और ऊर्जा हमारे शरीर में उतरती है तो ये 72,000 नाड़ी मंडल का शोधन कार्य आरंभ करती है। जब शरीर में इतनी ऊर्जा उतरने लगती है तो कहीं झुनझुनाहट, कहीं दर्द, कहीं पे खुजली का अनुभव होने लगता है। इसे कायानुपसना का नाम भी दिया है। कायानुपसना यानी कि काया की उपासना, काया की सफाई, स्वच्छता होने लगती है। इसी को शंकराचार्य जी ने तितीक्षा का नाम भी दिया है। जिस तरह से समुद्र मंथन में पहले हलाहल होता है और उसके बाद में अमृत की वर्षा होती है, वैसे ही जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो पहले हमारे भीतर से विष निकलता है और फिर अमृत की वर्षा से हम स्नान करने लगते हैं। जितना ज्यादा अशुद्ध शरीर होगा उतनी ही ज्यादा तकलीफ से हमें गुजरना पड़ता है। मन को विचलित नहीं होने देना है, बस इसी चीज का ध्यान रखते हुए आंखों को हमेशा बंद रखना है। अगर कहीं झुनझुनाहट, कहीं दर्द, कहीं खुजली का अनुभव हो तो जानकारी कर लें, ये हीलिंग का प्रोसेस है। इसे ही मंडल दीक्षा का नाम भी दिया गया है। हनुमान चालीसा भी इसी को कहते हैं। 40 दिन, 40 डेज, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम। हमारी जितनी उम्र है कम से कम उतने मिनट के लिए हमें एक सेशन में बैठना है। तो 30 साल की उम्र है तो 30 मिनट, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट, और 40 दिन का आपको निरंतर
ध्यान के साथ में जुड़ाव करना जरूरी है। जब हम 40 दिन तक लगातार ध्यान करते हैं तो हम योगी बनते हैं, हमारा कॉस्मिक एनर्जी के साथ में योग होने लगता है, योग यानी जुड़ाव हो जाता है। मोहम्मडन्स में जो ये 40 दिन का समय आता है पूरे साल में, 40 डेज जब जकात किया जाता है, तो 40 दिन का सिग्निफिकेंस वहां पे भी रखा है। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है आई हैव फास्टेड फॉर 40 डेज। तो देखिए 40 दिनों की महिमा सभी जगह पे बताई गई है। ये 40 दिन जब हम लगातार निरंतर बिना किसी ब्रेक के ध्यान करते हैं तो हम भाग्यहीन से भाग्यवान बनते हैं, वानर से पवन पुत्र बनते हैं, हमारे शरीर को विकसित कर पाते हैं, अपने मन को चंचलता से बाहर लाकर के बुद्धि का विकास करने में सहयोग दे पाते हैं। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, विशेष उपासना में हम पहुंच पाते हैं जहां हमारी दिव्य चक्षु का उजागर होता है, हमारे शरीर, हमारे भौतिक शरीर से इस हमारा जो स्थूल शरीर है इसमें से हमारे प्राण बाहर निकल करके, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये बाहर निकल करके दूसरे लोगों से ऊर्जा लाने में सक्षम होने लगता है, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल का नाम भी दिया जाता है। ये सभी विशेष उपासना से हम गुजरने लगते हैं। ये 3 स्टेजेस ध्यान की, आनापानसति, कायानुपासना और विशेष उपासना, ये सभी लोगों के साथ में है। 5 बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। जब हम 40 दिन निरंतर ध्यान करते हैं तो हम ध्यानी बनते हैं, ध्यान समझ आने लगता है, मन में शांति की उत्पत्ति होने से हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है, मन शांत होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अपनी आत्मा के साथ में जुड़ करके हमें परमानंद की अनुभूति होने लगती है। और 40 दिन का ध्यान करने पे हम योगी बनते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में हमारा योग होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ाव होता है। और 40 दिन लगातार ध्यान करने से हम ऋषि बनते हैं, ऋषि यानी के दिव्य चक्षु उजागर होते हैं, हम अपने गत जन्मों के बारे में जानकारी कर पाते हैं, अपना आत्मा और अपना शरीर अलग अलग देख पाते हैं। और ध्यान की प्रक्रिया में जुड़े रहने पे हम महाऋषि या राज ऋषि बनते हैं। इस स्थिति में हमारे सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाकर के दूसरे लोगों से हम अपनी ऊर्जा को संगठित करने में सक्षम हो पाते हैं, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल का नाम भी दिया जाता है। अपनी ऊर्जा पे लगातार काम करने पे हम ब्रह्मर्षि बनते हैं, को क्रिएटर, ब्रह्मा की तरह हम जानकारी करने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसके हम ही जिम्मेवार हैं। हम ब्रह्मर्षि के स्तर पे अपने आप को भाग्यहीन से भाग्यवान बना पाते हैं। तो ये 5 बड़ी अचीवमेंट्स हमें मिलती हैं। ध्यान की हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फायदा पड़ता है, क्योंकि एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं तो ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब हम अपने मशीनों को देखते हैं जो शरीर में लगी हैं, तो देखिए आंखें कितना बढ़िया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लगातार निकाल रही है, हमारा मुंह एक स्पीकर की तरह लगातार बोलता है, हमारा दिल एक मोटर की तरह हमारे रक्त को संचार करता है, हमारी किडनियां आरओ प्लांट की तरह हमारे शरीर के पानी को स्वच्छ बनाती हैं। बहुत सारी मशीनें एक ही मशीन में लगी हैं, जूसर मिक्सर ग्राइंडर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं अगर ऊर्जा का हस्तक्षेप होगा, कहीं पे अगर ऊर्जा में रुकावट होगी तो वहां पे आप देखेंगे ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं और बीमारियों का चलन होने लगता है। बहुत जरूरी बनता है कि ध्यान से हम अपनी ऊर्जा को हमेशा संगठित करें, बढ़ा करके रखें, ताकि अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को निकालने में हम अपना सहयोग दे सकें।
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म है, कहीं अगर ऊर्जा की कमी है तो उसे हम बाहर दवा डाल करके पूरा ना कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, हम अपने घर में एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेके आते हैं और पता चलता है कुछ ही दिनों बाद वो चल नहीं रहा है। टेक्नीशियन को बुलाया जाता है क्योंकि वारंटी पीरियड में है, आकर के टेक्नीशियन जांच करके बताता है मशीन तो बराबर है लेकिन ऊर्जा की कमी है। जहां 220 वोल्ट का करंट आना था वहां 120 वोल्ट का करंट आ रहा है। वो जो 120 वॉट का करंट आ रहा है उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 72% तो पानी है और जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो का कहना है पानी बहुत ज्यादा याद शक्ति बना के रखता है और पानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये पानी के कण हमारे भीतर जब हम बहुत तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो ये टूट जाता है और कहीं ना कहीं पे हम लोग रोगग्रस्त होते हैं। जब हम अपने आप में शांति की उत्पत्ति करने में अपनी सहायता देने लगते हैं, When we are working on our own self, तो ये अंदर के टूटे हुए कण डायमंड की स्ट्रक्चर पकड़ने लगते हैं, ये सहायक बनने लगते हैं हमारी हीलिंग में। साथ ही साथ में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो थर्ड आई और हमारा जो सहस्त्रार की जगह है, इन दोनों को जब मिलाया जाए 90 डिग्री एंगल पे, तो वहां पे एक चमकती हुई ग्रंथि जिसे पीनियल ग्रंथि का नाम दिया है, हमारे ध्यान के माध्यम से ये पीनियल ग्रंथि पूरी तरह से उजागर हो पाती है। ये पीनियल ग्रंथि हमारी सभी ग्रंथियों को सुचारू रूप से चलाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानकारी करके अचरज होगा, 10,000 केमिकल बनाने की हमारे शरीर के भीतर क्षमता है, लेकिन जब हम अपने अंदर बहुत ज्यादा तनाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे तेजाब शरीर में बनता है। उसके विपरीत जब हम अपने ध्यान से जुड़ाव करते हैं, हमारी पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट होती है जो सभी ग्रंथियों को सुचारू रूप से चलाने लगती है। इसीलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का कहना है गोली को गोली मारो, आपको बाहर से दवा की कोई जरूरत नहीं है, आपको ध्यान की जरूरत है। कहा जाता है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ति, पिछले जन्मों के पाप कर्म की वजह से हमारे एनर्जी के सर्किट में ब्लॉकेजेस आते हैं जिसकी वजह से बीमारियों का चलन होता है। पूर्व जन्म कृतम पापम, जो पाप कर्म किए हैं व्याधि रूपेण, व्याधि यानी बीमारियों के रूप में ये हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने ध्यान से रोजाना जुड़े, ध्यान से ज्यादा अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को, सत्यलोक की ऊर्जा को पृथ्वी पे लाने में हमारी ओर से बहुत बड़ी सहयोग होती है, सहायता होती है पृथ्वी के ऊपर। ये कर्म करने से हमारे बैड कर्मा को खत्म करने में सहयोग मिलता है। चेंज फ्रीक्वेंसी, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना है। अगर आपके भीतर कहीं कोई बीमारी है तो उस बीमारी की चर्चा न करके और स्वास्थ्य की बातचीत करना है। इसी से आप अपने अंदर मिरेकल्स उतार सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस का भी साथ ही साथ में मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मिलने लगता है। मेडिटेशन के बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपका मन पूरी तरह से खाली हो जाता है और अंदर जो गार्बेज फाइल्स पड़ी थी ये आपके शरीर को छोड़ के जाने लगती हैं। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे हमारा एक मोबाइल हम लेके आते हैं, कितना बढ़िया चलता है उसका प्रोसेसर, लेकिन 2 साल बाद वही प्रोसेसर जाम होने लगता है, बार बार उसमें एम्प्टी स्पेस लिख करके आने लगता है। फिर हम वीडियोस को डिलीट करते हैं, कैमरा की जो फोटोज हैं उन्हें डिलीट करते हैं, व्हाट्सएप पे जाकर के काफी सारी फाइल्स को डिलीट करते हैं तो जाकर के मोबाइल फिर से चलने लगता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारे
बहुत सारे विचार जो हमारे अंदर रह जाते हैं, जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे इन्हें डिलीट करना है, इन्हें बाहर निकालना है। हमारा प्रोसेसर खुद का जाम होने लगता है। कई बार ऐसा होता है, हम मार्केट में निकलते हैं चार चीजें लेने के लिए, दो चीज लेने के बाद में याद ही नहीं आता दूसरा क्या लेना है, फोन करके पूछना पड़ता है और क्या क्या लाना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सहयोग देते हैं अपने मन को खाली करने में, तो फिर जब आप कहते हैं कि बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, तो दरअसल में वो ख्याल आ नहीं रहे थे, वो जा रहे थे। आपके अंदर जो गार्बेज फाइल्स थी, जो अनवांटेड थॉट्स थे, ये आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आपका मन खाली होने लगता है, शांत होने लगता है, और ये हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, हमारा प्रोसेसर अच्छे से चलने लगता है। हमारे समक्ष जो भी लोग बैठते हैं, हमारे क्लाइंट्स, हमारे कोवर्कर्स, हम उनके साथ में जागृत अवस्था में रह करके बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर पाते हैं। हमारा रिलेशनशिप घर के अंदर में अच्छा बनाने में हम अपना सहयोग देने लगते हैं। हमारे विचारों में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आने लगती है, और चमत्कारिक विचारों के साथ में हमारी जीवन में कायाकल्प होने लगता है। एज इज इनसाइड सो इज आउटसाइड, जैसे ही भीतर बदलता है वैसे ही बाहर भी बहुत जबरदस्त फर्क आने लगता है। हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने में ये बहुत हमें फायदेकारक बनने लगता है, और मन में शांति और उमंग की स्थिति पे हम पहुंच जाते हैं, सेटिस्फेक्शन रहने लगता है, और साथ ही साथ में परमानंद की अनुभूति, ये करोड़ों करोड़ों रुपयों से नहीं हो सकता है, जो ध्यान के माध्यम से हमें अपने शरीर के स्तर पे और हमारे खुद के स्तर पे फायदा पहुंचने लगता है। ऊर्जा को संगठित करके हमारे को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। स्वाध्याय ये दो शब्दों से बना है, स्व का अध्ययन करना। तो इसमें हम जब किताबें पढ़ते हैं जो स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स के द्वारा लिखी हुई, ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करती है, और साथ ही साथ में सेल्फ एनालिसिस, अपने खुद का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। निरीक्षण करते रहना है कहाँ पे हमारे मन और हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में कहाँ कहाँ परिवर्तन आया। दिल और दिमाग को परिवर्तन लाने में स्वाध्याय बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत सारी किताबें जो कि PSSM में रिकमेंड की गई हैं, PSSmovement.org में लगभग 500 किताबें दर्ज हैं जो स्पिरिचुअल राइटर्स द्वारा लिखी गई हैं। इनमें कुछ किताबें यहाँ मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आत्माओं की यात्रा, फकीर, अष्टवक्र गीता, टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मर्षि पत्री जी, लुइस एलहे का यू कैन हील योर लाइफ, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड बाय एंड्रिया गार्डनर, यू आर द प्लेसेबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, बिकमिंग सुपर नेचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड बाय दीपक चोपड़ा, सुखमय जीवन के सीक्रेट्स बाय दीपक चोपड़ा। ऐसी बहुत सारी किताबें हमारी पत्री जी सर की, तुलसी दल एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, और अभी तो लेटेस्ट में जो उन्होंने कोविड के टाइम पे 100 अलग अलग लेक्चर्स लिए, ये भी बहुत ज्यादा लोगों की उपलब्धियों में फायदे कारक बनती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को इंग्लिश में स्पिरिचुअल किताबें भी, मैगजीन्स भी निकलती हैं PSSM की तरफ से। इसके अलावा गुजराती में पिरामिड ध्यान जगत गुजराती, अगर आप गुजराती हैं तो जरूर ये मैगजीन सब्सक्राइब करें। इसमें अलग अलग किताबों से बहुत सारी जानकारी जो कि आध्यात्मिक स्तर पे आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में काम करती हैं, ये आपके घर पहुंच जाती है, आपको उपलब्ध होने लगती है। सज्जन सांगत्य, सत्य के मार्ग पे लगे हुए लोगों की संगति करना बहुत ही जबरदस्त काम होने लगता है। हमें अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे ध्यान के अनुभव हैं, ये साझा करना है उन्हीं लोगों के साथ में जो लाइक माइंडेड हैं, जो सत्य की खोज में लगे हैं, जो ब्रह्मा की खोज में लगे हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, किसी के भी साथ में अगर आप ये सब एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो वो शायद आपको समझ ना पाए, आपको शायद पागल समझें, लेकिन जो लोग इस सत्यता के रास्ते पे चल रहे हैं उनके साथ बैठने से हमें बहुत फायदा होने लगता है। उनसे हम अपनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के द्वारा कुछ सीखते हैं, कुछ उन्हें सिखाते हैं, और इसी के द्वारा हमारी बहुत ज्यादा ईगो को क्रश करने में भी हमें फायदा मिलने लगता है। जब हम दूसरे लोगों से सुनते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि काफी कुछ सीखना बाकी है। देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, और हम भी अपनी तरफ से अपनी ऊर्जा को संगठित करके बढ़ाने में अपना सहयोग देने लगते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे एक सूर्यमुखी का जो फूल है, जिस तरफ से सूरज निकलता है वो अपना मुख उस तरफ कर लेता है, मानो वो सूर्य से ही अपने को ऊर्जा प्राप्त करता हो। तो फिर कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब सूरज ढक जाता है बादलों के पीछे बारिशों के दिनों में, उन दिनों में दो सूर्यमुखी एक दूसरे की तरफ ही मुख कर लेते हैं, मानो एक दूसरे से ऊर्जा लेने लगते हैं। कुछ ऐसे दिन हमारे साथ भी बीतते हैं जब ध्यान नहीं लगता है, जब किताबें पढ़ने में मन नहीं होता है, उन दिनों में लाइक माइंडेड पीपल के साथ में बैठने से, सत जनों के साथ में सत्संग करने से हम लोगों की ऊर्जा को बढ़ाने में फिर से काम होने लगता है। तो ये जो सज्जन सांगत्य हैं ये बहुत ही जरूरी है, और पत्री जी सर के हिसाब से आप देखेंगे तो वो 33% आनापान सती को देते हैं, 33% स्वाध्याय को, और 34%। तो यहाँ जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये सज्जन सांगत्य हमारी ऊर्जा को संगठित करने में और हमारे खुद के ज्ञान को वृद्धि करने में बहुत जबरदस्त सहयोग देने लगता है। नॉलेज शेयरिंग इज ग्रोइंग, आप देखेंगे जब हम लोग ज्ञान की बातचीत सुनते हैं तो हमारा आत्म चैतन्य एक्सपेंड करने लगता है, हमारा जो कारण शरीर है वो फैलाव में आने लगता है। हम जब दूसरों को सुनते हैं तो हमारा ईगो क्रश हो जाता है, और जो स्पीकर होता है वो अपनी वैल्यूएबल एसेंस, जो उनकी की लर्निंग्स हैं, उन्हें लोगों के समक्ष पेश करते हैं। ये की लर्निंग्स, जो ये नॉलेज है, कहीं ना कहीं पे कारण शरीर के फैलाव में काम करती है, और जब कारण शरीर पूरी तरफ से फैल जाता है तो ये हमें हमारे बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्त कराने में काम करने लगता है। यहां आपके समक्ष मैं शंकराचार्य जी के श्लोक दे रहा हूं, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्ण वतरणे नौका। तो शंकराचार्य जी का कहना है तीनों जगत से सज्जन सांगत्य हमें उभारने वाला है। भवती भवार्ण वतरणे नौका, जैसे लोहा एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता लेकिन एक नौका में रख करके उसे ले जाया जा सकता है, वैसे ही सज्जन सांगत्य भी काम करता है। शंकराचार्य जी का एक और श्लोक आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये दोनों ही श्लोक हमारे पत्री जी सर को बहुत पसंद थे। भगवत गीता किंचित धीता, ये जो भगवत गीता यानी के स्वाध्याय जो किया जाता है, इससे जो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। गंगा जललव कणिका पीता, ये गंगा जल, वो गंगा नदी के बारे में बात नहीं किया है, ये कॉस्मिक एनर्जी, जब हम ध्यान में संलग्न होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी, ये गंगा जल हमारे शरीर में उतरने लगता है। आकाश गंगा के प्रवाह की बात कही गई है, इससे जो एक बूंद अमृत भी हमारे भीतर उतरता है। सकृतपि येन मुरारी समर्चा, तो ये जो हम लोग मुरारी समर्चा, जो सज्जनों के साथ में चर्चा करते हैं, सांगत्य करते हैं, जो ये तीन चीजें करते हैं, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, ये तीन चीज करने वाला जो स्वाध्याय करता है, जो ध्यान करता है, और जो सज्जन सांगत्य करता है, इन तीन अध्याय में जो आगे बढ़ता है उन्हें फिर पूरे ब्रह्मांड में कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपने आप में मृत्यु और जन्म के बंधनों से मुक्त होते हैं
अपनी ऊर्जा को संगठित करने में कामयाब होने लगते हैं, ह्यूमन से डिवाइन ह्यूमन बनने लगते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को संगठित करना बहुत जरूरी है, वैसे ही अपनी ऊर्जा को कंजर्व करना भी उतना ही जरूरी है। हम अपनी सेंसेस के द्वारा, आंखों, कान और मुंह के द्वारा बहुत सारा पॉइजन अपने भीतर उतारते हैं। देखो, आंखों से अगर आपने किसी को लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा, तो वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं है तो आप अपने काम से निकल जाएं। जितना ज्यादा हम नेगेटिव को देखते हैं, उतना ही हम उसे आकर्षित करते हैं। तो फिर वो जितनी भी बातें, वो लड़ाई झगड़े की बातचीत और वो गाली गलौज की बातचीत जब हमारे कानों में पड़ती है, तो ये भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे जहर बढ़ाती है। हम क्या सुनते हैं इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है हमारे किस तरह की ऊर्जा से जुड़ाव होता है। ऊर्जा का कहीं पे भी क्षीण ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। मुंह से अपशब्द नहीं निकालने हैं, ये जहर का काम करते हैं। हम जब गुस्सा होते हैं, जब हम अपनी तरफ से बहुत जोर लगाते हैं, कहीं ना कहीं पे इसका क्षति सबसे पहले तो हमको ही होता है। हमेशा जागृत अवस्था में बने रहना है, ध्यान करना है, अपनी अपनी जागृति को बढ़ाना है। और एनर्जी को मैनेजमेंट में बहुत जरूरी अंग बनता है कि आप जानकारी करें, जैसे एक बाल्टी के अंदर में पानी भरा जाता है, उसमें अगर एक छेक हो जाए तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। वैसे ही हमें अपनी सेंसेस पे पूरी तरह से पकड़ बना करके रखनी है। जहां तक के लो एनर्जी है, वहीं तक आपको सफरिंग है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो कंप्लेंट्स, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, ये सब लो एनर्जीज के कारण है। आप देखेंगे जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो कंप्लेंट और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, वो डिप्रेशन नहीं रहता है। आपके अंदर में हाई एनर्जी से जब जुड़ाव होता है, बुद्धि का विकास होने लगता है और आप सेलिब्रेशन के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट इज कि आप सभी लोग इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में इसका प्रयोग करें, अपनी ऊर्जा को संगठित करें और उसे बर्बाद होने से बचाएं। जिन लोगों तक ये बात पहुंची है, वो दूसरे तक इसको साझा जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फायदा मिल सके। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और मुझे जो यहाँ पे शेयरिंग देने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका अमूल्य ज्ञान देने के लिए। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। लिटरली वाइब्रेशंस आ रहे थे ब्रह्मरंध्र में और आज्ञा चक्र में, यहाँ तक कि मुझे शोल्डर्स में थोड़ा सा पेन था स्पॉन्डिलिसिस की वजह से, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है सर। अरे वाह। किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो सर है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो डेफिनेटली हैंड रेज कीजिए, हम सर से अपना ज्ञान लेंगे। खास करके जो लोग हमारे साथ में यहाँ पे आज ध्यान किए हैं और ध्यान का कैसा उनको अनुभूति हुआ, जरूर एक्सपीरियंस अपना साझा करें। और शेयरिंग इज केयरिंग, जब हम शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं पे, और अगर कोई पार्टिसिपेंट्स जो हमारे जीजीएम के यहाँ पे जुड़े हों, जिन्होंने गोली को गोली मारो वर्कशॉप हमारे साथ किया हो, तो वो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। शिवानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवानी जी नमस्कार। नमस्कार धीरेन्द्र सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। आज पहली बात तो थैंक यू धीरेन्द्र सर, व्हाट एवर यू आर गिविंग टू ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। और आज जब ध्यान में मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे दो कदम से मुझे ऐसे दिख रहे थे, आई डोंट नो व्हाट, मैं समझ नहीं पाई, और व्हाइट सा कुछ दिख रहा था और कुछ एक गहरा सा कुआं मुझे दिख रहा था, फिर एकदम से रोशनी दिख रही थी, फिर दो कदम ऐसे दिख रहे थे, मतलब दूर मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे कुछ दिखना है पर मुझे दिख नहीं रहा है, पर कुछ तो दिख रहा था मेरे को। सो ये मेरा आज एक्सपीरियंस था। थोड़ा अपना और ज्यादा ना ध्यान का समय बढ़ाएंगे तो आपको थर्ड आई एक्टिवेट होने की तैयारी है, तो आपके जो दिव्य चक्षु है उससे आपको पूरा साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हल्का सा कुछ खुल रहा है लेकिन फिर वो बंद हो जा रहा है, वो ये एहसास सा कुछ ऐसा हो रहा था आज।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है। कृष्णा भी कर रहा है सर, और वो थोड़ा सा यहाँ ब्रेन में मेरे को थोड़ा दर्द बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लॉटिस थी या हाइपरटेंशन, या 280 270 बीपी रहता है मेरा, तो इसके लिए ध्यान कर रही हूँ। लेकिन सर कुछ मेडिकली आपसे कुछ सजेशन चाहिए थे, जब भी आपको टाइम हो जब। वो तो अभी देखिए आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया है तो उसके अंदर में पूरी तरह से आपको मालूमात पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोगों को इसमें से निदान करना है। तो जो हमारा थैंक यू जीजीएम सर। का वर्कशॉप है, जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको पूरी तरह से ये सब निकल जाएगा। दैट विल बी ऑल आज राइट। आंखों की तरफ भी यहाँ पे भी सेंसेशन हो रहे थे मेरे को, यहाँ पे। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, थैंक थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यू। अभिमन्यु जी, यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बहुत समय के बाद में रूबरू फिर से आमने सामने आए हैं। सर, मैं अपना आज का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज जब भी आप मेडिटेशन करवाते हैं, जब भी आपके इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं जिसमें आप मेडिटेशन करवाते हैं, तो सर वो पता ही नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे अभी 2 मिनट ही हुए थे अभी मेडिटेशन शुरू हुए। और जब आप कहते हैं कि 1 मिनट रह गया, फिर टाइम देखो तो पता ही नहीं लगता और बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। अभिमन्यु जी, आज बहुत ऊर्जा उतरी है, जितने लोगों ने आज ध्यान किया है उनके अंदर काफी सारी हीलिंग हुई है। मुझे भी, क्योंकि आप सभी के साथ में मैं भी ध्यान में होता हूं, तो मालूम पड़ने लगता है कि आज का ध्यान कैसा। तो इट वॉज ब्रिलियंटली बीन गिवन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा गिर रही थी। यस सर, और जीजीएम का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। जीजीएम हाँ जी, मैंने 3 बारी किया सर, और जीजीएम से सर एक तो क्या कहते हैं, पिछले जनवरी 1 जनवरी से ट्वेंटी गोली को गोली ट्वेंटी मारो वर्कशॉप आपने 3 बार किया है। टू यस सर 3 बारी किया सर, और ओके 1 जनवरी 2022 से सर लास्ट ईयर जनवरी से मैं प्रॉपर आइडियल डाइट, डिटॉक्स प्रैक्टिसेस और स्वाध्याय और मेडिटेशन ये सब फॉलो कर रहा हूँ सर। उससे क्या हुआ सर, बॉडी बहुत लाइट फील होती है सर, और मेरा वेट भी सर 20 kg रिड्यूस हो गया सर, ओ माय और गुडनेस, वेस्ट भी सर 36 से 34 हो गई है सर, इंचेस भी रिड्यूस हुए हैं सर, और पुराने कपड़े आने लग गए सर। और उसके अलावा सर, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत जल्दी डीप मेडिटेशन जैसे डेल्टा मेडिटेशन या थीटा में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं सर। और जो आपने सर दशांश का कॉन्सेप्ट बताया था, दशांश के कॉन्सेप्ट से पहले लॉकडाउन में सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी फाइनेंशियली, लेकिन दशांश का जो आपने सेवा का कॉन्सेप्ट बताया उससे सर अब लाइफ एकदम स्ट्रेस फ्री हो गई है और फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है सर। मैं एक लॉयर हूँ तो लॉकडाउन में कोर्ट्स बंद थे, लेकिन जब मैंने आपका प्रोग्राम किया उसके बाद ही दशांश जैसे शुरू किया, मेरे पास ऐसे केस आए जिसमें मेरा अखबार में भी नाम आया, न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू भी आए। तो और उसके अलावा मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत थी सर, वो बाय बर्थ ही थी, लेकिन जीजीएम का कोर्स करके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अब 99% से ठीक हो गई है, वाह, और कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अगर मुझे कभी भी कोई जैसे कोई दिक्कत होती है तो अब मैं दवाई नहीं लेता, तो बिना दवाई के ही आपके डिटॉक्स प्रैक्टिसेस और आइडियल डाइट फॉलो करके ही ठीक कर लेता हूँ बॉडी को सर। अभी जैसे यहाँ पे ठंड बहुत थी। गोली यस को सर, गोली मारी है, और अपने आप की प्रख्याति बढ़ाने में आपने सेवा से जो काम बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अनुभव आपने बताया अभिमन्यु जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। मैं आपके फादर से मुलाकात हुआ था मेरा, जब मैं पंजाब आया था लुधियाना, दैट टाइम आई मेट योर फादर ओवर देयर। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। मोनिका पुरी जी बात कीजिए। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन, आत्मवंदन मोनिका जी। मैंने आज का ध्यान तो सेशन अटेंड नहीं किया, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेशन में मैं थी। तो मेरे दो प्रश्न थे। पहला ये था, जैसे मैं पीएमसी के अलग अलग ग्रुप्स का पार्ट हूँ, कुछ 3 4 ग्रुप्स का, तो क्या ऐसा होता है कि हम अलग अलग ग्रुप्स में अगर करते हैं तो हमारी एनर्जीज मिक्स होती हैं, कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ ऐसी धारणा भी है क्या सर, कि हम कर सकते ऐसा हैं हर कुछ नहीं समय? होता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ओके खाली धारणा हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है।
ओके, तो ये एक मिथ है, ऐसा सच नहीं है, इट इज नॉट द ट्रूथ. ओके, और सेकंड चीज ये है, ध्यान तो अंदर जाने की प्रक्रिया है. जब हम लोगों के साथ में बैठते हैं ना तो आसानी बनने लगती है ग्रुप में बैठ करके, चाहे फिर वो ग्रुप अफ्रीका का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, कहीं का भी ग्रुप हो, दैट डज नॉट मैटर. ओके, सेकंड चीज सर ये है कि मैंने जब जैसे 40 डेज कंप्लीट किए तो उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि मेरा ना जैसे स्टमक अपसेट हो जाता है थोड़े थोड़े पीरियड के बाद, तो क्या ये भी कुछ पार्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये कोई ऐसा भी कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी? ध्यान करने से पेट बिगड़ जाता है? नहीं नहीं, ध्यान मैंने 40 दिन किया, 40 डेज करने के बाद से जैसे ये हर मंथ एक प्रक्रिया सी बन गई है कि मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज नथिंग टू डू विद दिस. नो, नथिंग. नो, मतलब वो कोई डिटॉक्सिफिकेशन वैसा नहीं हो सकता. देखिए, आप जब इसमें क्या है, क्या प्रैक्टिकली समझना चाहेंगे तो बताना चाहूंगा. जब हम अपने आप में ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, आनापान सती में क्या करते हैं, हम लोग अपनी जागृति अपने श्वासों के प्रति बढ़ाते हैं. लगभग 1 घंटा अगर आपने एक दिन किया तो बाकी के जो 23 घंटे हैं आप अपने मन के ऊपर में जागृत अवस्था में पहुंचने लगते हैं. तो जो वो नकारात्मक विचार अंदर चल रहे थे वो हमें नजर आने लगते हैं कि ये हमारे ही अंदर का शत्रु हमारे भीतर ही बैठा है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं. तो हम इसमें कामयाब होने लगते हैं, सकारात्मक विचारों के साथ में जीवन चलाने लगते हैं. और जैसे विचार होते हैं, होता तो वैसा ही हर किसी के साथ में है, पर इसका कोई इम्पैक्ट, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट जरूर होता है कि जो बीमारियां थी वो सब निकल जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारी प्री कंडीशनिंग ऑफ माइंड, जो तनाव हमारे अंदर था, जब वो तनाव हट गया, जब वो प्री कंडीशनिंग खत्म हो गई, तो आप देखेंगे अपने आप ही शांत, आपके अंदर का शरीर अपने आप ही सुनियोजित हो जाता है. जैसा मन होता है ना, क्योंकि मन हमारे शरीर का संचालन करता है, अगर तनाव नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो 40 दिन में प्रॉब्लम आने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इट. 40 दिन में नहीं सर, 40 दिन जब मैंने कंप्लीट कर लिया उसके बाद से जैसे हर मंथ, मुझे आज 5वां महीना चल रहा है, 5th month है मेरा, तो जैसे कुछ कुछ दिन बाद ट्रबल हो जाता है. खाने पीने में आपको विज्ञान के साथ में जुड़ने की जरूरत है. सर एनरोल कर लिया मैंने. जी जी, बस देखिए मोनिका जी, इस बार आपको पूरी जानकारी होगी और फिर आपको हर 30 दिन बाद ऐसा कुछ नहीं होगा. और सर मैंने काफी हील किया है, मैं बैठ नहीं पाती थी, अब मैं 3-4 घंटे बैठ के ध्यान कर सकती हूँ, घुटने मोड़ सकती हूँ, तो मेरी हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. सर मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ जी. सर मुझे ये GGM मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता है, आई फील कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी. मतलब ऐसे लगता है कि इतना मतलब जो डाइट आप सजेस्ट करते हैं, मतलब मेरे भाई ने किया हुआ है सर, तो मुझे ऐसे लगता था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड मेरा एक्चुअली क्रेविंग कंट्रोल नहीं होता है खुद से, तो आई फील कि शायद उस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी या ऐसे कुछ. एंड सर बहुत सारे इश्यूज है, लाइक ओबेसिटी का इश्यू है, दूसरे भी 2-3 इश्यूज है, तो काफी मतलब सालों से मेडिसिन चालू है सर, लगभग 10-15 सालों से मेडिसिन चालू है सर. जिग्ना जी देखिए, ये जो आपका डर है ना, ये हर किसी कंटेस्टेंट को, हर एक पार्टिसिपेंट को शुरू में होता ही है, लेकिन जब हम यहाँ पे सेवा करवाते हैं, जब हम लोग सेवा करवाते हैं, तो जो चिपकन थी ना, जो अटैचमेंट थी अनाज से, तो हम तुलादान करवाते हैं, तो तुलादान में जितना आपका वजन है उससे 1 किलो ज्यादा गेहूं या चावल जो हमें प्रिय होता है वो हम लोग दान कर देते हैं अपनी तरफ से ना. तो जब ये किया जाता है ना, तो जो अटैचमेंट होती है, आप देखिए कोई आदमी 80 साल का हो गया और मरते मरते भी उसको अगर पूछेंगे ना कि भैया आपको कुछ चाहिए, आखिरी कोई ख्वाहिश, तो बोलेगा आलू का पराठा बना के लाओ. जी सर जी. तो वो जो अटैचमेंट 80 साल तक लगातार 3-3 समय का भोजन करने पे भी जो खत्म नहीं हुई थी, वो अटैचमेंट देने से, लेने से, बटोरने से कभी खत्म नहीं होती है. तो पहला हम लोग यहाँ पे अपने सेवा का जो उपयोग करते हैं ताकि मन का जो स्तर है वो ओपन हो सके, खुल सके, और हम देखते हैं कि
जो दिया है, क्योंकि सुख लगाया है ना तो जीवन में सुख आने लगता है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, तो हमारे शरीर पे उसका जबरदस्त प्रभाव नजर आने लगता है। हम जब गुड कर्मा करते हैं तो ये जो पुण्य की कमाई है कहीं ना कहीं पे एस्ट्रल वर्ल्ड्स में तो यही काम आती है। तो एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स हमें सहयोग देने लगते हैं, तो वो जो मुश्किलात आपको लग रही थी वो आपको अचानक ही मालूम पड़ता है कि बहुत शांति होने लगती है, कहीं पे कोई मुश्किलात नहीं लगती है, माइंड ओपन हो जाता है। पहली बात मन खाली हो जाता है, मन अपने आप में प्रफुल्लित रहने लगता है। दूसरी बात जो है वो भोजन को लेकर के, तो हमारे यहाँ पे खिलाया जाता है, खाने पे कहीं रोक नहीं लगाई जाती है। हम लोग खाली और खाली ब्रेकफास्ट को बंद करके और सूप या तो जूसेस लेने की हिदायत देते हैं, क्योंकि वो सफाई अच्छी करते हैं। अब देखिए सुबह का जो समय है ना, उसमें सफाई, आपके घर की सफाई, दुकान की सफाई, हम अपने शरीर को भी सुबह में ही साफ करते हैं, और सब जगह पे सफाई, झाड़ू तो उसी टाइम पे सुबह में ही लगती है, तो हमारी सफाई अच्छे से हो जाए, इसीलिए ब्रेकफास्ट में हम लोग जूसेस के बारे में 10 बजे के आसपास का समय देते हैं, लंच में ताजे फल, ताजे सलाद, और जितना आपका वजन है कम से कम उतना ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। समझो आपका वजन अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम कम से कम। हमें तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बताते हैं कि इतना खाया नहीं जाता है, और हम उन्हें कहते हैं कम से कम इतना खाना है, और इतना खाने के बावजूद भी वजन कम होता है। 4 बजे के आसपास हम लोग नाश्ता देते हैं, जो ब्रेकफास्ट आपने सुबह में नहीं लिया था वो आप 4-5 बजे के बीच में ले सकते हैं, और रात को पूरा डिनर जैसा हम लोग अपने घरों में खाना खाते हैं, तो वो अपनी रोटी है, वो अपने चावल है, दाल है, सब्जी है, तो वैसे का वैसा ही लेना है। हम रात के डिनर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। आपका जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो हम लोग शाम को नाश्ते में लेते हैं, खाली लंच में हम ताजे फल, ताजे सलाद, जो हम लोगों को कुदरत की रसोई से मिलता है, उसको खाने की हिदायत देते हैं। एक समय का भोजन जैसा परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, अगर हम प्राकृतिक आहार लेने लगते हैं तो प्राकृतिक बनने लगते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी चर्चा यहाँ पे लिया, इसे हम लोग आइडियल बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इसके पीछे पंच तत्वों का विज्ञान है, वो आप जब वर्कशॉप करते हैं तो आपको पूरा विज्ञान 6 दिन में समझ में आने लगता है कि कैसे, और इतना मुश्किल नहीं है। यू नो इट अपीयर्स टू बी इन अवर थॉट्स ओनली, हमारे मन में ही असल में ऐसा होता है कि बिना किसी दवा के सब बीमारियों को मिटाना है तो जरूर बहुत कड़वा होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, इट्स अ वेरी इजी टास्क। ओके सर, आप जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा। जी सर, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग एवरीथिंग, थैंक यू सर। सर 2-3 हैंड रेजेस और है, क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ, सर सभी की बातचीत को ले लीजिए। जी सर, जी सर, थैंक यू। अनीता जी अनम्यूट। आत्मवंदन, आत्मवंदन दामिनी जी। सर ये मैंने पहली बार सुना है कि गोली को गोली मारो। हमारे जो पत्री जी सर है ना, भ्रमर्षि पत्री जी सर, ये अक्सर कहा करते थे, और हमारे जो 18 आदर्श सूत्र हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, इसमें 7वां आदर्श सूत्र है नो मेडिसिन नो डॉक्टर नो हॉस्पिटल कैन हेल्प। तो पत्री जी सर कहा करते हैं गोली को गोली मारो, गोली की कोई जरूरत नहीं है, नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन, ध्यान करना है। हमने उसमें 14 दिन का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पूरा वर्कशॉप डिजाइन किया, जिसमें पत्री जी सर की ऊर्जा और आदेश हमारे साथ में जुड़ा है, और हमने पाया हम लोग इसके 8 पहले 8 ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर चुके हैं पिछले 1.5 साल में, और जितने लोगों ने जुड़ाव किया हजारों की संख्या में लोग जुड़े और सभी के सब ठीक हो गए। यहाँ तक कि वो खुद नहीं, उनके घर के लोग, उनके रिश्ते नातेदार, जितने लोगों को उन्होंने बताया, तो जरूर बहुत जबरदस्त इसका फायदा है। सर ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर मतलब करना इसका चाहिए? लिंक आपको आप कौन से ग्रुप में है, कहां से आपको यहां पे ज्वाइन करने सर, का लिंक मैं सारे ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ। तो नेहा जी आपके ग्रुप्स में डाल देंगी तो आप तक बात पहुंच हाँ। जाएगी अनीता जी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।
सोमा जी बात कीजिए। सोमा तुलस्यान जी बात कीजिए। हेलो, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर, अभी जो आपने अपनी डाइट प्लान बताई, मॉर्निंग में जूस, आफ्टरनून में फ्रूट सैलेड, तो क्या कभी वीक में अगर एक्सचेंज हो जाए, मॉर्निंग में मान लिया ब्रेकफास्ट हो जाए और शाम में जूस वगैरह हो जाए, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सोमा जी, 365 दिन में 65 दिन की हम पहले ही छुट्टी देते हैं। अगर 300 दिन भी आप बैलेंस कर सकें, इस विज्ञान को जानकारी करके उस पे चल सकें, तो ये डेफिनेटली आपके शरीर को संतुलित बनाने में काम करता है। संतुलित आहार से संतुलित शरीर की संरचना होती है। 365 दिन में 65 दिन की छुट्टी, क्योंकि हम भी सोशल बीइंग्स हैं, फिर कहीं पे घूमने जाना है, कहीं किसी रिश्ते नाते के घर पे जाना है, वहां पे फिर डिमांड नहीं होती है, जो प्यार से मिले उस चीज को प्यार से एक्सेप्ट करना है। और सर मैं पूछ रही थी, क्या अदरक वाटर जो पीते हैं, वो मेरा 8 साल का बेटा है, क्या मैं उसको पिला सकती हूँ? बिल्कुल, अदरक त्रिदोष नाशक है, और जब गर्म पानी के साथ में नींबू मिलाकर के और रॉ हनी मिलाकर के दिया जाता है, तो देखिए ये बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। सफाई बहुत अच्छी करता है, खून को पतला करने में काम करता है, गंदगी को निकालने में काम करता है, और नए ब्लड की उत्पत्ति में फायदेकारक है। ये स्ट्रेस रिलीवर है, तनाव को मुक्त करने में बहुत ज्यादा सहायक बनता है। जिन लोगों को दर्दें हो या जिन लोगों को अशक्ति लगती हो, यहाँ तक के जो बीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे भी ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। वन क्वेश्चन मोर सर, जो फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, उनको मैं उस जगह पे क्या दूं, जूस सैलेड की जगह, फ्रूट्स एंड सैलेड की जगह पे? उनको सब्जियां दिया जा सकता है, बिना अनाज के पकी हुई कुक्ड सब्जियां, क्षारीय धर्म का है ना, उसमें कोई टमाटर ना डालें, क्योंकि टमाटर आग पे चढ़ने के बाद में एसिडिक हो जाता है। ओके, तो फिर सर जो हम लोग सूप पीते हैं, वो वेजिटेबल सूप दिया जा सकता है जिसमें टमाटर ना डला हुआ हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सोमा जी। थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट सर से कुछ पूछना चाहता हो या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। सर, मैं आज का ये सेशन कंक्लूड करने के लिए रचना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। रचना जी, ओवर टू यू। थैंक यू। मैं अपनी नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सर, हमारी मुलाकात आपसे हुई है क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं हुई है। लास्ट ईयर क्योंकि भोपाल में आया था, और वहां पे वो एस के जैन सर हैं और वंदना जी हैं, वंदना जी, जी, जी के जी, साथ में मत बैठो, और हमने वहाँ कार्यक्रम भी रखा था भोपाल में, होम्योपैथिक कॉलेज का जो आपका वो बना हुआ है। जी सर, सर उस समय में वहाँ भोपाल में प्रेजेंट नहीं थी बाय चांस, इसलिए शायद नहीं हमारा मिलना हो पाया। यदि हमारा दोबारा आना होगा तो आपसे जरूर फिजिकली भी, अब तो देखिए यहाँ पे नेहा जी ने आपसे मिलवा दिया है, अब हम आपको हमारी आंखें वहाँ भोपाल में आके आपको ही ढूंढती होंगी। जी जी, थैंक यू सर। सर तो मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप हमारे लिए इतना समय निकाल के आए। सर मैं हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने हमारे साथ इतना सुंदर ध्यान करवाया और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे साथ साझा किया सर, और मैं आशा करूंगी कि आप समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करने जरूर हमारे बीच उपस्थित होंगे सर, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। 100% रचना जी, पहले तो जी, मैं सर, आपका जितना आपने आभार व्यक्त किया उससे दुगना आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने सारे लोगों को आपने सुंदर आयोजन किया ताकि हम लोग बैठ करके सज्जन सांगत्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप लोगों का। जी
जी। सर मैं पीएमसी अफ्रीका और इंडिया से जो लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे हम सब एक साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हम सब लोग मिलके पितामह का सपना, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, पिरामिड और शाकाहार जगत, मेन सबसे मेन अफ्रीका के लिए तो बहुत ही मेन है शाकाहार जगत, इस सब को हम सब तक फैला देंगे सर, और ये सपना जरूर पूरा होगा। ऐसी मैं समझती हूँ कि सभी लोग ऐसा मतलब प्रण करें तो ये जरूर संभव हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। नेहा जी एक बार सभी को अनम्यूट कीजिए, हम सर को तालियां देके बधाई दें, मतलब सर का स्वागत करेंगे सर ने ये। अब हमें एक बार अनम्यूट ऑल कर। थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सर। आप सभी लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं आप सभी लोगों का कृतज्ञ हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छे से आपने जितने उनको जो थैंक यू वेरी मच, आपने जो ज्ञान आज दिया है इतने डीप में आपने लाइक एक एक पॉइंट को कवर कर लिया जो हम लोग 3-4 सेशन में मतलब सोच रहे थे देना, आपने सब मिला के एक सेशन में ही जितने भी नए ध्यानी है उनका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यही है ग्रेट मास्टर की निशानी। और ध्यान भी आज इतना वंडरफुल रहा, मुझे तो लाइक जो मैं बहुत टाइम से कुछ ढूंढ रही थी वैसा पीस मुझे आज मिला, और कुछ विजन्स भी आ रहे थे जो मुझे क्लैरिटी बढ़ाया मेरा। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे इतना कीमती टाइम लेके आप आए और हम सबको हमेशा गाइड करते रहे और भी करते रहेंगे इसी आशा के साथ। सभी का हम धन्यवाद करेंगे और अफ्रीका की धरती पे बहुत जल्दी ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत की स्थापना हो जाए, इसके लिए जो आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग से बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच डीप, और पितामह पत्रीजी को भी कोटि कोटि नमन। शंपा माँ ने भी उस दिन आके शुरुआत बहुत अच्छी की है और आपका सहयोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे आप सब आएंगे। 100% आना ही है। आप देखिए जैसे जैसे ये विस्तार होता जाएगा, ऊर्जा संगठित होती जाएगी। मुझे याद है आज से लगभग 2.5 साल पहले की बात है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि 2.5 साल के अंदर में हम लोगों के साथ 20 लाख लोग ध्यान सीख पाएंगे, 20 लाख पब्लिक। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट, लेकिन अपने आप ही करते गए और कारवां बनता गया। और 17,000 सब्सक्राइबर्स। और सर ये भी है, आपका भी उतना ही सहयोग है जितना मेरा सहयोग है, ये किसी का घर का नहीं है, सब अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं और आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सर मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि आप लाइक पीएमसी गुजरात भले ही रन कर रहे हो पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एनआरआईज आपसे बहुत जुड़े हैं, और वैसे भी गुजरात है भूमि एनआरआईज की, तो सो ये मतलब इंडिया के बाहर जो प्रचार हो रहा है वो आपकी वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। सो मैं चाहूंगा कि हम लोग हर 10 दिन में आपके यहाँ पे महीने में 3-4 कार्यक्रम हमारे जरूर होते रहे, ताकि इसमें जितनी ऊर्जा की जरूरत है ये रुकना नहीं चाहिए। दिस शुड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड ग्रोइंग। और जितने लोग यहाँ पे मेरी आवाज अभी भी सुन सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों पे, अपने पड़ोसियों में, अपने जानकार लोगों में बात को फैलाएं और उन्हें सिखाएं, पर्सनली जाकर के फिजिकली सिखाएं और फिर यहाँ का प्लेटफॉर्म, क्योंकि रोज किसी के घर जाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ऑनलाइन जुड़ाव करना बहुत आसान है। सो एक चेन, एक ह्यूमन चेन तैयार कर दें, अपने लोगों को सिखा करके उन्हें यहाँ का लिंक दे दें, ताकि वो बारम्बार यहाँ पे जुड़ करके अपनी ऊर्जा को संगठित करने में आपके साथ में जुड़ सकें। सर आज जो एडमिन टीम है आप लोगों की,
इसमें जो रचना जी हैं, जिग्ना जी हैं और नेहा जी हैं और भी जो लोग यहाँ पे अपनी तरफ से सेवा देने लगे हैं, वो सब लोगों को मेरा बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने जो काम को बीड़ा उठाया है उसमें सफल बने और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच सर। आज से मेरी जो हाउस हेल्प है उसको भी मैंने साथ में बिठाया था हमारे मेडिटेशन में, सो आज से मैं उसको भी मतलब हर रोज ध्यान में जोड़ूंगी, तो यहाँ का एक लोकल यू नो पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ ऊर्जा बढ़ाएगा। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। अभी मीटिंग एंड कर दे नेहा जी, किसी को कुछ, किसी को कोई कोई भी पार्टिसिपेंट्स को कुछ है क्वेश्चन या क्वेरी या कुछ भी, नहीं तो हम